हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे भाई कि अगर अपने फोन को आप जो है वाईफाई से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। 4G वाईफाई या 5G वाईफाई अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप कैसे उससे कनेक्ट कर सकते हैं, यही भाई मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए भाई, यहां से पहले अपने फोन को अनलॉक कर लेते हैं। अनलॉक करते भाई सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने फोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं और सबसे ऊपर भाई ऑप्शन आपको दिख जाएगा वाईफाई का। ठीक है, ये वाईफाई का ऑप्शन है तो इसी के अंदर हमें चलना। देखो अभी ऑफ हो रखा है, इसके यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले इसको भाई यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ऑन करोगे तो जो भी नेटवर्क आपके पास होगा वो आपके यहाँ पे देखो इसके अंदर शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये होगा, जैसे मेरा है ना वाईफाई, यहाँ पे मेरा कनेक्ट है तो इसको पहले डिसकनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो डिसकनेक्ट का ऑप्शन भी आ रहा है, फॉरगेट आ रहा है, शेयर का आ रहा है, ऑटो कनेक्ट का आ रहा है, तो इसको सबसे पहले डिसकनेक्ट कर देते हैं यहाँ से। भाई डिसकनेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको बैक कर देते हैं। अब हमारे फ़ोन में कोई भी वाईफाई कनेक्ट नहीं है। अब ये वाईफाई जो मेरा है 5G भी होता है, मैं फिलहाल जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे 5G दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ तक उसकी रेंज आ नहीं रही। बाकी ये सारे नेटवर्क और जो है थोड़े थोड़े मेरी रेंज में आ रहे हैं, मतलब ये मुझे इनका पासवर्ड पता नहीं, सब पे लॉक लगा हुआ है। ठीक है, पर हल्के हल्के इनके सिग्नल यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसको दिखा रहा है, पर मैं इनको ज्वाइन नेटवर्क में नहीं जा सकता क्योंकि भाई मुझे इसका पासवर्ड ही नहीं पता। तो चलिए मैं अपने वाला जो मेरा है मैं इसको कनेक्ट करके देखता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक वाईफाई असिस्टेंट का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर भी आ जा सकते हैं। ऑटो कनेक्ट टू द बेस्ट वाईफाई, ऑटो कनेक्ट तो भाई ऑप्शन जब ही मिलेगा जब हमारे पास उसका पासवर्ड होगा, पर बिना पासवर्ड के भाई हम उसे कनेक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसको तो यहाँ से कोई देखना है ही नहीं। अब ये देखो यहाँ से मैंने दोबारा दबाया, दोबारा इस पर अपने आप कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये इसको ऑटो कनेक्ट को यहाँ से बंद करते हैं, अब दोबारा डिसकनेक्ट करते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ये अपने ऑटो में इसमें दबाता हूँ। ठीक है, अब ये मुझसे ये देखो कनेक्ट हो रहा है, अब यहाँ से दोबारा हो रहा है, पर ये मुझसे जो है पासवर्ड मांगेगा जब मैं इसमें डिसकनेक्ट करूँगा ना इससे। ये देखिए फॉरगेट करते हैं यहाँ से रिमूव। ठीक है, रिमूव कर दिया हमने यहाँ से। अब भाई अब यहाँ से कनेक्ट नहीं होगा, अब ये पासवर्ड मांगेगा जब भी मैं इसके ऊपर जाऊँगा। ये देखो अब ये पासवर्ड मांग रहा है। चलिए मैं इसमें पासवर्ड डालता हूँ अपना, तो मेरा जो भी पासवर्ड है एक बार मैं डाल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने शुरू के डाल दिए हैं भाई, कि पासवर्ड मेरा लीक ना हो जाए, कभी भाई पड़ोस वाले उसमें कनेक्ट कर ले। तो अब मैं इसमें कुछ मैंने चार वर्ड तो डाल लिए हैं, अब इसके अंदर चार वर्ड डाल देता हूँ। एक और है 4-0। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो लास्ट के लो डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे सारा इसकी सेटिंग देखो यहाँ रखे। अब यहाँ से मुझे सिर्फ इस पर कर देना है क्लिक। अब यहाँ से कनेक्टिंग का ऑप्शन आ गया, यहाँ से देखो अभी कनेक्ट हो चुका है जैसे मैंने पासवर्ड डाला। अब मेरा 4G और 5G का एक ही है क्योंकि भाई जहाँ पे नेटवर्क नहीं आते ना तो सेम होता है। इसमें यहाँ पे क्लिक करोगे, अब ये ऑटो कनेक्ट को आपको रखना है। ठीक है, ऑटो कनेक्ट से क्या होगा, जब भी आप अपना वाईफाई ऑफ करोगे या नीचे से अपने आप ऑफ होगा तो यहाँ से भाई अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमेशा ऑन करके रखना। ठीक है, और बाकी आप अपना वाईफाई शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक बार कोड आ जाएगा, बार कोड जैसे ही आप यहाँ से लाओगे ना तो कोई भी ये देखो यहाँ से उसको बार कोड को स्कैन करवा के आप किसी दूसरे कनेक्ट भी कर सकते हैं। डिसकनेक्ट यहाँ से होगा और फॉरगेट का मतलब तो फिर दोबारा पासवर्ड डालना होगा। इससे यहाँ से डिसकनेक्ट करोगे तो यहाँ से खाली कनेक्शन हट जाएगा, और यहाँ से फॉरगेट वाले में दबाओगे तो फिर दोबारा पासवर्ड डालना पड़ेगा, डिसकनेक्ट करके पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये है भाई कुछ सेटिंग्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।